गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटे सबको मेरा। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। सबको मेरा गुड आफ्टरनून बेटा।
कल बेटे थोड़ा सा मैंने शुरू कर दिया था डिसेंडिंग ट्रैक्ट, फिर मैं इसको थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ बेटे। सो टुडेज टॉपिक इज डिसेंडिंग ट्रैक्ट, दैट इज मोटर पाथवे एंड द अदर नेम इज पिरामिडल ट्रैक्ट और एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। तो मेन ट्रैक्ट इसका नाम क्या है? पिरामिडल ट्रैक्ट। पिरामिडल ट्रैक्ट होता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट, और इसके पिरामिडल ट्रैक्ट को छोड़ के बाकी जितने डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। कैसा पाथवे होता है? दिस इज अ मोटर पाथवे। सो टुडेज टॉपिक इज डिसेंडिंग ट्रैक, दैट इज मोटर पाथवे। इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज पिरामिडल ट्रैक एंड अदर इज एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। वन इज पिरामिडल ट्रैक्ट एंड अदर इज एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। अब पिरामिडल ट्रैक्ट होता है, ये भी दो तरीके का होता है पिरामिडल ट्रैक्ट। सबसे पहले हम इसी को लेंगे, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है पिरामिडल ट्रैक्ट। सो इट इज ऑल्सो टू टाइप्स, वन इज कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कॉर्टिको स्पाइनल, ये कहाँ से फाइबर्स अराइज करते हैं? फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और स्पाइनल कहाँ एंड कहाँ पर होगा? होगा इनका स्पाइनल कॉर्ड में। तो क्या नाम है इसका? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। दूसरा नाम है कॉर्टिको बल्बर ट्रैक। कॉर्टिको बल्बर ट्रैक, ये फाइबर्स कहाँ से अराइज होते हैं? दे ऑल्सो अराइज फ्रॉम द कॉर्टेक्स। और इनका एंड कहां पर होगा? कॉर्टिको बल्बर का इन मोटर करिनियल न्यूक्लियाई, तो इसलिए इसका नाम है कॉर्टिको बल्बर। तो सबसे पहले हम कौन सा लेंगे? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। तो पिरामिडल ट्रैक कितने तरीके का हो गया? दो तरीके का। टू टाइप्स ऑफ पिरामिडल ट्रैक, वन इज कॉर्टिको स्पाइनल एंड सेकेंड इज कॉर्टिको बल्बर। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक इज द लॉन्गेस्ट ट्रैक्ट, इज द लॉन्गेस्ट ट्रैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स कौन सा? सेरिब्रम का। स्टार्टिंग फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स एंड रीचिंग अप टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड रीचिंग अप टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। डायमीटर ऑफ द फाइबर्स, डायमीटर ऑफ दीज फाइबर्स आर स्मॉल, डायमीटर ऑफ दीज फाइबर इज स्मॉल। कितने फाइबर्स का, कितने परसेंटेज फाइबर्स के डायमीटर कम होता है? लिख दीजिए 85% टू 90%, 85 से 90%, 85 to 90%। सो इट इज अ स्लोली कंडक्टिंग पाथवे। सो इट इज अ स्लोली कंडक्टिंग पाथवे एंड 50% ऑफ द फाइबर्स आर अनमाइलिनेटेड एंड 50%, 50% फाइबर्स में माइलिनेशन नहीं होती है एंड 50% ऑफ द फाइबर्स आर अनमाइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। द पिरामिडल फाइबर्स, द पिरामिडल फाइबर्स टू द स्पाइनल वेंट्रल हॉर्न, the pyramidal fibers to the spinal ventral horn constitute the corticospinal tract. The pyramidal fibers to the spinal ventral horn
to the spinal ventral horn constitute the corticospinal tract. अब ये कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट क्या होता है? द पिरामिडल ट्रैक्ट फाइबर्स टू द मोटर क्रैनियल न्यूक्लियाई द पिरामिडल ट्रैक्ट फाइबर्स टू द मोटर क्रैनियल न्यूक्लियाई to the motor cranial nuclei constitute the cortico bulbar tract constitute or called cortico bulbar tract. Dusra naam uska kya hai? Cortico nuclear tract. Cortico nuclear CORTICO cortico nuclear NUCLEAR cortico nuclear tract. These fibers begins in the cerebral cortex. These fibers begin in the cerebral cortex and end in the brain stem. एंड इन द ब्रेन स्टेम. अब इसका नाम है कॉर्टिको बल्बर. ये बल्बर का अर्थ क्या होता है? बल्बर मीन्स बल्बर मीन्स पर्टेनिंग टू द ब्रेन स्टेम. Where all the motor cranial nuclei are located. Bulbar means pertaining to the brain stem where all the motor cranial nuclei are located. अब इसका पाथवे क्या होता है? किसका? पिरामिडल ट्रैक्ट का. सो राइट डाउन कोर्स ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट. सेरिब्रल कॉर्टेक्स निकल के हैं. ये किस किस रास्ते से जाता है इसे क्या बोलते हैं? कोर्स ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट. The pyramidal tract fibers which arises from the cerebral cortex. The pyramidal tract fibers which arises from the cerebral cortex. The pyramidal tract fibers which arises from the cerebral cortex converge मैंने मिलना C-O-N-V-E-R-G-E. So the pyramidal tract fibers which arises from the cerebral cortex converge towards the brain stem. Converge towards the brain stem. As a radiating mass of fibers, known as corona radiata, corona, C O R
CORONA, corona radiata, RADIATA. हाँ, कौन क्या पूछ रहा है बेटे? देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इस तरह के जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स निकलते हैं, एक यहां से निकला, इधर से निकला, इधर से निकला, इधर से निकला, सब ऐसे फाइबर्स निकल गए हैं। अब ये सब कन्वर्ट होके इस तरीके से आ जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं, ऊपर से इतना स्पेस रहा है, सबसे एक एक फाइबर आ रहे हैं और नीचे क्या हो रहा है, फिर ये इस तरीके से ऐसे इस तरीके से हो कन्वर्ट टूवर्ड्स द ब्रेन स्टेम। तो इस तरीके से फैन शेप्ड है, इसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। हाँ, अब पूछो, समझाया नहीं आया, क्या पूछना चाह रहे हो बोलो। हेलो, समझ में आ गया? हेलो, सो द पिरामिडल ट्रैक फाइबर्स विच अराइजेस फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कन्वर्ज टुवर्ड्स द ब्रेन स्टेम, कन्वर्ज टुवर्ड्स द ब्रेन स्टेम एज अ रेडिएटिंग मास ऑफ फाइबर्स, इसको क्या बोलते हैं, नोन एज कोरोना रेडिएटा। कोरोना, सी ओ आर ओ एन ए, कोरोना रेडिएटा, आर ए डी आई ए, आर ए डी आई ए टी ए, कोरोना रेडिएटा। अब ये कहां पहुंचता है, टू रीच द इंटरनल कैप्सूल। अब ये कहां पहुंच गया, इंटरनल कैप्सूल के पास पहुंच गया, यानी इंटरनल कैप्सूल के पास पहुंच के फिर उसके अंदर चला गया, टूरिस्ट द इंटरनल कैप्सूल। अब इंटरनल कैप्सूल के अंदर क्या स्थिति होती है, किसके, पिरामिडल ट्रैक के फाइबर्स की। सो राइट डाउन, इन द इंटरनल कैप्सूल, अब पहले तो इंटरनल कैप्सूल क्या चीज होती है, ये भी ब्रेन के अंदर होता है। इंटरनल कैप्सूल इज अ मास ऑफ वाइट फाइबर्स। इंटरनल कैप्सूल इज अ मास, MASS, मास ऑफ फाइबर्स, मास ऑफ वाइट फाइबर्स। इंटरनल कैप्सूल इज अ मास ऑफ वाइट फाइबर्स लाइंग, LYING, लाइंग between the basal ganglia, lying between the basal ganglia, limited laterally by the lenticular nucleus. इसके lateral side में क्या है, lenticular nucleus. So limited laterally by the lenticular nucleus and medially by the thalamus. So pyramidal tract fibers है ना, ये कहां पहुंचा, इंटरनल कैप्सूल में, और इंटरनल कैप्सूल क्या चीज होती है, देखो मैंने अभी बताया, इट इज अ मास ऑफ वाइट फाइबर्स, कहां प्रेजेंट होता है, लाइंग या प्रेजेंट बिटवीन द बेसल गैंग्लिया, लेटरल साइड में क्या होगा, लेंटिकुलर न्यूक्लियस, और मीडियल साइड में क्या होगा, थैलेमस। अब इसके बाद इंटरनल कैप्सूल से निकल के ये फाइबर्स किस में आएंगे, मिड ब्रेन में। सो नेक्स्ट, राइट डाउन, इन द क्रस्ट ऑफ द मिड ब्रेन, क्रस्ट की स्पेलिंग क्या है, CRUS, इन द क्रस्ट ऑफ द मिड ब्रेन। अरे फाइबर्स किस में आ गए, मिड ब्रेन में आ गए, इन द क्रस्ट ऑफ द मिड ब्रेन, CRUS, द पिरामिडल फाइबर्स लाई वेंट्रल टू द सबटेंशन निग्रा। सो इन द क्रस्ट ऑफ द मिड ब्रेन द पिरामिडल फाइबर्स
द पिरामिड फाइबर्स लाई या प्रेजेंट वेंट्रल टू द सबस्टेंशिया सबस्टेंशिया निग्रा सबस्टेंशिया एस यू बी एस टी ए एन टी आई ए सबस्टेंशिया निग्रा एन आई जी आर ए निग्रा. और इसके मिड ब्रेन से निकल के फाइबर्स किस में जाएंगे? इन द पॉन्स. सो राइट डाउन इन द पॉन्स. पॉन्स में क्या होगा? इन द पॉन्स द पिरामिडल फाइबर्स ऑक्यूपाई द पिरामिडल फाइबर्स ऑक्यूपाई the pyramidal fibers occupy the most ventral aspect occupy the most ventral aspect in front of trapezium trapezium spell iska hai t r a p e z I u m. so pyramidal fibers occupy the most ventral aspect in front of trapezium while passing through the pons while passing through the pons. ab pons mein pyramidal tract ke fibers ka kya hota hai? here the tract yahan par इतना मोटा तार का टुकड़ा वो क्या होगा? छोटी छोटी वायर्स में छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाता है. सो हियर द ट्रैक्ट इज ब्रोकन अप हियर द ट्रैक्ट इज हियर द ट्रैक्ट इज ब्रोकन अप इंटू अ सीरीज ऑफ स्कैटर्ड बंडल. स्कैटर्ड मैंने बिखरे हुए स्कैटर्ड S C A double T E R E D scattered bundles B U N D L E S scattered bundles by the nuclei pontis nuclei N U C L E I nuclei pontis P O N T I S. so in the pons mein kya hua? pyramidal tract fibers kai bundle mein divide ho gaye. और इसको किसने डिवाइड किया? न्यूक्लियाई फॉन्टस ने. सो इन द पॉन्स द पिरामिडल फाइबर्स ऑक्यूपाई द मोस्ट वेंट्रल एस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ द ट्रेपीजियम एंड व्हाइल पासिंग थ्रू द पॉन्स हियर द ट्रैक्ट इज ब्रोकन अप इनटू अ सीरीज ऑफ स्कैटर्ड बंडल बाय द न्यूक्लियाई फॉन्टस. अब पॉन्स निकल के फाइबर्स किस में आ जाएंगे? मेडुला में आ जाएंगे. पॉन्स में क्या हुआ था? पिरामिडल फाइबर्स कई बंडल में डिवाइड हो गया था. अब जब मेडुला में आता है तो जितने बंडल्स में डिवाइड हुआ था ये सब बंडल फिर आपस में यूनाइट हो जाते हैं. सो इन द मेडुला व्हाइल कमिंग आउट ऑफ द पॉन्स while coming out of the pons se bahar nikal aate hain. while coming out of the scattered corticospinal fibers the scattered maine bikhre hue hain the scattered corticospinal fibers are reunited and enter in the medulla as a thick bundle and enter in the medulla as a thick bundle
it occupies the most ventral part of the medulla. It occupies the most ventral part of the medulla and produce a bulge मैंने उभार and produce a bulge 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 की स्पेलिंग क्या है BULGE and produce a bulge इस बल्ब को क्या कहते हैं पिरामिड एंड प्रोड्यूस अ बल्ज कॉल्ड पिरामिड PYRAMID विच इज कॉल्ड पिरामिड अब मेडुला के अंदर जो फाइबर्स नीचे की तरफ आ गए अब बाहर निकलेंगे लेकिन द लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला क्या होगा 80 से 85% फाइबर्स ये मेडुला के अंदर फाइबर्स आ रहे हैं अब 80 से 85% फाइबर्स इधर वाले इधर चले गए और इधर वाले इधर चले गए बाकी बचे हुए वो दोनों सीधे चले जाते हैं सो इन द लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला 80 to 85% ऑफ द फाइबर्स 80 to 85% ऑफ द फाइबर्स क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड cross to the opposite side and enter in the lateral white column and enter in the lateral white column the lateral white column kahan par hoga spinal cord ke andar and enter in the lateral white column कॉलम की स्पेलिंग क्या है COLUMN कॉलम एंड डिसेंड डाउन एज क्या नाम इसका हो गया एंड डिसेंड डाउन एज लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट About 15 to 20% of fibers, about 15 to 20% fibers, ये cross नहीं करते हैं. About 15 to 20% of fibers do not cross. About 15 to 20% of fibers do not cross. And enter in the anterior white column and enter in the anterior white column and descend down as anterior corticospinal tract अब इन फाइबर्स का एंड किस में होगा स्पाइनल कॉर्ड में होगा स्पाइनल कॉर्ड में किस जगह एंटीरियर हॉर्न सेल्स द फाइबर्स एंड राउंड द एंटीरियर सेल्स द फाइबर्स एंड राउंड द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द सेम साइड So this is the pathway of pyramidal tract. The short notes में भी आ सकता है long question भी आ सकता है तो आ जाए describe the motor pathway. तो motor pathway क्या लिखेंगे pyramidal tract और दूसरा extra pyramidal tract लिखना है आपको या सीधा ऐसे भी आ सकता है describe the pyramidal tract. अब तीसरा आ सकता है डिसेंडिंग ट्रैक तो अलग अलग कंफ्यूज नहीं होना परेशान नहीं होना डिसेंडिंग ट्रैक यानी ऊपर से ब्रेन से नीचे की तरफ आ रहा है
या ऊपर से ब्रेन से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी मोटर पाथवे होगा। और तीसरा इसका नाम क्या हो गया, पिरामिडल ट्रैक। पिरामिडल ट्रैक, पिरामिडल ट्रैक छोड़ के बाकी जितने डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। अब फंक्शन क्या है इसका पिरामिडल ट्रैक का, फंक्शन ऑफ पिरामिडल ट्रैक। The first function is lateral corticospinal tract. Lateral corticospinal tract convey motor impulse. Lateral corticospinal tract convey the motor impulse to the spinal cord. Convey the motor impulse to the spinal cord. For controlling the voluntary movements, for controlling the voluntary movements, कैसी voluntary movements, especially the fine, precise, precise. Fine, precise finger movements. Fine, precise. Precise. Fine, precise finger movements to carry out skilled work. Skilled. SKILLED. Skilled work. सुन लीजिए, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कन्वे मोटर इंपल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड फॉर कंट्रोलिंग द वॉलेंट्री मूवमेंट्स स्पेशली द फाइन प्रिसाइज फिंगर मूवमेंट्स टू कैरी आउट द स्किल्ड वर्क। जैसे मान लीजिए सुई में धागा डालना है, तो स्किल्ड वर्क हो गया ना। ये मैसेज किससे आएगा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से आएगा। एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, anterior corticospinal tract are concerned with the control of muscles. Anterior corticospinal tract are concerned with the control of muscles, with the control of muscles of the trunk and proximal portion of the limbs, and proximal portion of the limbs to carry out postural adjustment. It's only the anterior corticospinal tract. Anterior corticospinal tract are concerned with the control of muscles of the trunk and proximal portion of the limbs to carry out postural adjustment. Second function, they form a part of the pathway for superficial reflexes. They form a part of the pathway for superficial reflexes such as cremastric reflexes, abdominal reflexes, and
plantar reflexes. So they form a part of the pathway for superficial reflexes such as cremastic reflexes, abdominal reflexes, and plantar reflexes. The next function is function of corticobulbar tract. Corticobulbar. Cerebral cortex से fibers निकले और कहाँ इनका end हुआ? Motor cranial nuclei. और इसका क्या function होता है corticobulbar tract का? These are responsible for voluntary control of muscles. These are responsible for voluntary control of muscles of larynx, pharynx. Larynx, L-A-R-Y-N-X, larynx, pharynx, P-H-A-R-Y-N-X, pharynx, palate, P-A-L-A-T-E, palate, upper and lower face, jaw, J-A-W, jaw, and eyes, etc. So this is all about the pyramidal tract. समझ में आया पिरामिडल ट्रैक्ट? यस सर। पिरामिडल ट्रैक्ट के बाद इसको छोड़ के जितने डिसेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं उसका क्या नाम दिया गया? एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। ये भी बहुत सारे हैं। सो नाउ राइट डाउन एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। द डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड The descending tract of the spinal cord, other than pyramidal tract, the descending tract of the spinal cord, other than pyramidal tract, other than pyramidal tract, are together called extra pyramidal tract and these are ab ye kaun kaun se hote hain kai sare hain pehle sabke naam likh lijiye fir hum sabke function bata denge And these are, first is medial longitudinal fasciculus, medial longitudinal, L-O-N-G-I, longitudinal, T-U-D-I-N-A-L, longitudinal, medial longitudinal, fasciculus fascicculus so medial longitudinal fasciculus dusra anterior vestibulo spinal tract anterior vestibulo vesti vestibulo bulo vestibulo is spinal tract third lateral vestibulo spinal tract lateral vestibulo vesti bulo bulo is spinal 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 tract तो तीन ट्रैक्ट मैंने अभी आपको बताया मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फैसिकुलस दूसरा एंटीरियर वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट एंड थर्ड इज लेटरल वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट फोर्थ इज
रेटिकुलम स्पाइनल ट्रैक्ट, चौथा कौन सा है? रेटिकुलम, आर ई टी आई सी यू एल ओ, रेटिकुलम स्पाइनल ट्रैक्ट, आर ई टी रेटी आर ई टी आई सी यू एल ओ, रेटिकुलम स्पाइनल ट्रैक्ट। फिफ्थ, टैक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, टैक्टो टी ई सी टी ओ, टैक्टो स्पाइनल एस पी आई एन ए एल, टैक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। सिक्स, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, आर यू रूब्रो आर यू बी आर ओ, रूब्रो आर यू बी आर ओ, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। एंड सेवेंथ इज ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट, ओलिवो ओ एल ओ एल आई वी ओ, ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो सात ट्रैक्ट मैंने आपको बताया, ये कौन से हैं? दीज आर एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। फिर नाम सुन लीजिए, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलर, सेकेंड इज एंटीरियर वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट, थर्ड इज लेटरल वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट, फोर्थ इज रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट, फिफ्थ इज टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, सिक्स्थ इज रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, एंड सेवेंथ इज ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट यू हैव टू राइट डाउन फंक्शंस ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। अब हर ट्रैक्ट, मैंने सात ट्रैक्ट बताया, सब सातों के सातों ट्रैक्ट का फंक्शन देखो अलग अलग है। सो फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स, पहले देख लेते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलर्स का, इसका क्या फंक्शन है? मीडियल, राइट ऑन मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलर्स, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलर्स, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलर्स, इसका क्या फंक्शन है? कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स ऑक्युलर मोमेंट्स, ऑक्युलर किसे कहते हैं? आई ओ सी यू, ऑक्युलर ओ सी यू एल ए आर, ऑक्युलर मोमेंट्स एंड द इंटीग्रेशन आई एन पी ई जी आर ए टी आई एन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑक्युलर एंड नेक मोमेंट, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ ऑक्युलर एंड नेक मोमेंट्स। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलर्स का फंक्शन क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स, ऑक्युलर मोमेंट्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ ऑक्युलर एंड नेक मोमेंट्स। सेकेंड ट्रैक्ट, एंटीरियर वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, एंड इन दो को इकट्ठा ले लेते हैं, एंटीरियर और लेटरल। एंटीरियर वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, एंटीरियर वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट एंड लेटरल वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। एंटीरियर वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट एंड लेटरल वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, अब इन दोनों का फंक्शन क्या है? वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट आर कंसर्न विथ वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट आर कंसर्न विथ एडजस्टमेंट ऑफ With adjustment of position of head and body, position of head and body during angular and linear acceleration. Vestibular spinal tract are concerned with adjustment of position
of head and body during angular and during angular and linear acceleration. Linear, L-I-N-E-A-R, linear acceleration. Acceleration is spelling A-C-C-E-L-E, acceleration, R-A-T-I-O-N. फिर सुन लीजिए. Function of anterior vestibular spinal tract and lateral vestibular spinal tract. Vestibular spinal tract are concerned with the adjustment of position of head and body during angular and linear. Linear मैंने सीधा linear acceleration. The next tract is reticulospinal tract. Reticulo, R-E-T-I-C-U-L-O, spinal, S-P-I-N-A-L, reticulospinal tract. इसका क्या function है reticulospinal tract का? It is concerned with control of movements. It is concerned with control of movements, maintenance of muscle tone, respiration and blood vessel. So it is concerned with the control of movements. It is concerned with the control of movements, maintenance of muscle tone, respiration and blood vessels. ये किसका function हो गया? Reticulo spinal tract. Next tract is tecto spinal tract. Tecto, T-E-C-T-O-S-P-I-N-A-L, tecto spinal tract. This tract is responsible for the movements of head. This tract is responsible for the movements of head in response to visual and auditory stimuli. This tract is responsible for the movements of head in response to visual and auditory visual मैंने देखना, auditory मैंने सुनना, auditory stimuli. 6. Rubrospinal, R-U-B-R-O, rubrospinal tract. अब इसका function क्या है? Facilitatory spelling है F-A-C-I-L-L-I-T-A-T-O-R-Y, facilitatory. फिर सुन लीजिए, spelling कठिन है. Facilitatory, F-A-C-I F-A-C-I-L-L-I-T-A-T-O-R-Y. Facilitatory influence upon the flexor muscle tone. Upon the flexor muscle tone. And the last tract is olivospinal tract. Iska function kya hai? Olivo. O-L-I-V-O, olivospinal tract. It is believed that this tract is involved. It is believed that this tract is involved in reflex movements arising from proprioceptors.
So it is believed that this tract is involved in reflex movements arising from the proprioceptors. So this is all about the descending tract. तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट के बाद अब हम थोड़ा सा ले लेते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है सीएसएफ को क्या बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। पानी पी के मैं आया एक मिनट में।
So CSF, next topic is CSF, that is cerebrospinal fluid. The fluid is present in the central canal of the spinal cord. The fluid is present in the central canal of the spinal cord, subarachnoid space, subarachnoid, A-R-A-R-C-H-N-O-I-D. So the fluid, that is cerebrospinal fluid, is present in the central canal of the spinal cord, subarachnoid space, and cerebral ventricle. तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंट्रल कैनाल, किसके? स्पाइनल कॉर्ड में. दूसरा कहाँ प्रेजेंट होगा? सब एरेक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट होगा. तीसरा कहाँ प्रेजेंट होगा? इन सेरिब्रल वेंट्रिकल. अब इसकी मात्रा कितनी होती है? इट वेरीज फ्रॉम, इट्स क्वांटिटी वेरीज फ्रॉम 100 टू 200 मिलीलीटर. Its quantity varies from 100 to 200 milliliter. Formation of CSF. Formation of CSF. Is CSF banta kahan par hai? Site of formation. CSF is formed by the choroid plexus. CSF is formed by the choroid, 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 choroid plexus, PLEXUSES. Choroid plexus, so CSF is formed by the choroid plexus situated within the ventricles. Situated within the ventricles, 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 ventricles. अब ये choroid plexus क्या चीज होती है? The choroid plexus are tuft of capillaries. The choroid plexus are tuft of capillaries. Projection मैंने उभार, PROJECTIONS. So CSF is formed by the choroid plexus situated within the ventricles, and the choroid plexus are the tuft of capillary projections. A large amount of CSF is formed in the lateral ventricle. अब lateral ventricle कहाँ present होता है? Cerebral hemisphere में. A large amount of CSF is formed in the lateral ventricle. Mechanism of formation. CSF is formed by the process of secretion. CSF is formed
by the process of secretion by the choroid plexus. Properties of the CSF. अब बाकी पोर्शन जितना इसका बचा है उसको कल ले लेंगे. कल है सैटरडे, कल शनिवार को बेटे. अब आप लोगों का कोर्स वाला स्पीड से बढ़िया चल रहा है, सेंस ऑर्गन सभी रह रहे हैं, उसको भी बीच बीच में ले लेंगे. और सीएसएफ कल खत्म करके, या कल सबसे पहले मैं, मेरी इच्छा है आईआईएफ शुरू कर दूंगा. तो कल का टाइम बताओ कौन सा दे सकते हो. चार से पाँच. हाँ, क्योंकि कल उसमें मेरे को इजी हो जाएगा. कल सैटरडे, कल मेरी महाराणा की क्लास भी है, है ना. और करियर का भी कल 3-5 रख लीजिए. हैं सर 4 बजे से पहले ही ले लीजिए. का 4 बजे पहले महाराणा की क्लास है ना सर. बेटे कल महाराणा की भी हो गई तो फिर मेरी बात है? सर जब आपको सही लगे तब ले लीजिए, 4 से 5 ले लीजिए आप. नहीं, मेरी प्रॉब्लम सुन लो बेटे. आप कहोगे तो 5 से 6 ले लेंगे बेटे. कोई ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटे. या एक तरीका कर सकते हो सुबह, या तो फिर 11 से 12 ले लो. नहीं सर, सुबह नॉट में होती है. सुबह नॉट में ही सर होती है. हाँ, तो फिर उसको उसके बाद बताओ कौन सा टाइम कम्फर्टेबल. सर आपने जो 4 से 5 बताया वो एकदम सही है. ठीक है, चलो 4 से 5 रख ले बेटे. 4 से 5 ठीक. ओके बेटे, थैंक यू बेटे. गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहो. समझ में आ रहा सबके? कोई दिक्कत तो नहीं? हेलो. नो सर, कोई दिक्कत नहीं. ओके बेटे, थैंक यू बेटे. गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहो बेटे. थैंक यू सर, बाय बेटे. थैंक यू सर, बाय बेटे. गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहो. Thank you.